लुधियाना के आर्टिस्ट मेकर स्टूडियो में स्टार ऑफ द मंथ इवेंट करवाया गया, जिसमें बच्चों ने डांस मॉडलिंग के माध्यम से अपना टैलेंट दिखाया। हर किसी ने बच्चों की प्रशंसा की। 50 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया। बच्चों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। और क्या कहना था, आए हुए मेहमानों का, जजेस का। जनसंरक्षण टीवी के लिए लुधियाना से राजेश कुमार की रिपोर्ट। देखो, द फर्स्ट ऑफ थिंग इट वॉज ओपनिंग ऑफ आर्टिस्ट मेकर स्टूडियो। स्टूडियो किस तरह से अजकल बच्चों की होंगे, बच्चे सारे मैं देखता सोशल मीडिया नहीं छड़ते, फोनस नहीं छड़ते। पर जब मैं उन्हें आया तो एक बहुत चंगा उपकरण चालू किया गया। द बेनीफिट उपराला स्टूडियो का आगा कि किमें बच्चे अपना टैलेंट दिखा। मैं देखा कि अड अड बच्चों ने अड अड टैलेंट दिखाया। इन्नी छोटी उम्र के बच्चे, कोई 5 साल का सी, कोई 6 साल का सीगा, तो इन्होंने एक फंक्शन रखा स्टार ऑफ द मंथ, जिंदे एटलीस्ट 60 बच्चों ने पार्टिसिपेंट होए और चुन रहे कि केड़ा फर्स्ट आएगा, केड़ा सेकंड आएगा, केड़ा थर्ड आएगा। तो सब तो पहले जिन्हें भी बच्चों ने पार्ट लिया, सारे नु बेस्ट इन विशेस फॉर दिस फंक्शन। एंड आई होप कि जिदा इन्होंने प्रेपरेशन कराई बच्चों आने वाले टाइम के वे स्टेज पर जाएंगे, दे विल परफॉर्म इन होर बैटर करके लियाणगे। और जो बच्चे आर्ट हैगा वो अगे होर आएगा। बहुत सोहना लग्या जी, अजकल निके निके बच्चों, छोटे छोटे बच्चों जो टैलेंट हैगा वो वाकई इट्स अ वेरी यू नो एक्सलेंट इन दैट। कि जब साडा टाइम सीगा सर को इन्ना एक्सपोजर नहीं सीगा, अजकल दे बच्चों को एक्सपोजर बहुत है। और जो इदा के इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं जो बच्चों को टैलेंट एक्सपोजर देते हैं, बहुत कुछ इन्हें सीखने को मिलता है। और मेरे ख्याल जो इन्नी एज के इन्ने कॉन्फिडेंट हैं, आज तो 5 साल बाद 10 साल बाद जब लार्ज लैवल जाएंगे, कॉलेज के जाएंगे, तो दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्टूडियो। देखो, पहले तो स्टूडियो ने बहुत सोहना मैसेज दिता है कि अजकल बच्चे की ना ज़्यादातर फोन पर होंगे। इतने असं की देख रहे हैं कि बच्चे अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। बच्चों ने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है, सीखा है किन्ने किन्ने महीने की प्रैक्टिस होगी, तो वो बच्चे सारी प्रैक्टिस करके अज उन्होंने परफॉर्म किया। एंड आई थिंक किसी भी बच्चे को आप यह नहीं कह सकते किसी ने घट किया या वध किया। मैं देख रहा सी बच्चों सारे एक तो एक कर रहे थे। आई थिंक इट्स वेरी हार्ड कि आप दस नहीं सकते कि वो फर्स्ट होएगा, सैकेंड होएगा कि थर्ड होएगा। सो एट द लास्ट सारे मेरी बेस्ट ही विशेस हैगी है। आई होप दे विल डू बेस्ट इन द फ्यूचर। जी, मेरा नाम अमनदीप कौर है एंड मैं एक बिज़नेस रन करती हूँ। आज मैं आर्टिस्ट मेकर्स ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, आर्टिस्ट ऑफ द मंथ, स्टार ऑफ द मंथ। वहाँ पे हम जज एज अ जज आए हैं और यहाँ पे हमने बच्चों का बहुत ही अच्छे लेवल पे टैलेंट देखा है, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत डिफरेंट टाइप की मॉडलिंग्स दिखाई हैं एंड ये दिखा है कितने कॉन्फिडेंट हैं। और साथ में बच्चों ने डांस करके दिखाया है एंड मैं तो देख के आई एम लाइक टोटली इम्प्रेस्ड बाय दीज किड्स। लाइक दे आर सो वर्सेटाइल, दे आर सो ब्रिलियंट, इतनी नाइसली दे आर सो कॉन्फिडेंट। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बच्चों को कुछ सिखाने की ज़रूरत है। दे आर सिंपली वाओ, दैट इज़ वन वर्ड फॉर देम। 100% ये अकेडमीज जो बच्चों के अंदर एक हिडन टैलेंट है उसको बाहर लेके आती हैं। एंड सच अकेडमीज, मतलब स्पेशली आर्टिस्ट मेकर्स ने बच्चों का टैलेंट इतने अच्छे से बाहर निकाला है कि बच्चे, मतलब दे आर जस्ट यू नो डूइंग सो वेल। 100% मुझे लग रहा था कि मेरे टाइम पे ऐसी अकेडमी क्यों नहीं थी, तो शायद नहीं तो मैं भी आज मॉडलिंग कर रही होती। मेरा नाम मनप्रीत डॉली है जी। तो मैं बहुत थैंकफुल हाँ जी सक्षम चावला फॉर इनवाइटिंग मी हियर एट आर्टिस्ट मेकर एज सेलिब्रिटी गेस्ट। तो मैंने बहुत अच्छा लग रहा है छोटे छोटे बच्चे देख के, एज एन आर्टिस्ट बीइंग एन आर्टिस्ट, मैंने सामने आर्टिस्ट देख के बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी छोटे छोटे। तो जेडे पेरेंट्स उन्होंने का साथ दे रहे हैं, मैंने बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो पेरेंट्स बच्चों का साथ देंगे तो बहुत ग्रो करते, तो जल्दी ग्रो करते हैं, मैं इवें लगता है। ऑफकोर्स करवाने चाहिए, क्योंकि छोटे होंगे ही जे थोड़ा कॉन्फिडेंस
तो थोड़ा डिसिप्लिन ना तुसी अगे वधदे आ ते तुसी बहुत अगे जाने आ ते क्योंकि कॉन्फिडेंस जिहदे च आ गया आई थिंक उहनूं फिर कोई रोक नहीं सकदा ते इह अकैडमी बच्चों के कॉन्फिडेंस ते उहनां दी कला नूं अगे वधा रही आ जी। हाँ जी, मेरी न्यू मूवी आ रही है जी रोडे कॉलेज, तो मैं बहुत एक्साइटेड हाँ, तो मैं जरूर चाहूँगी तुम उस मूवी में जरूर देखो, तो बच्चे तो इतने आए हुए हैं, बच्चे भी मैं चाहूँगी जरूर देखना वो मूवी। तो मैं सारे बच्चों ने ही मैसेज देना चाहूँगी कि आर्ट एक मेडिटेशन है, चाहे तुसी डांस कर रहे हैं, चाहे तुसी एक्ट कर रहे हैं, तो जो भी तुसी कर रहे हो एक मेडिटेशन है, तो उन्हें बहुत प्योरली करना चाहिए आ। तो जो भी इत्थे आर्ट दी नॉलेज दे रहे हैं बच्चों, उन्होंने मैं थैंकफुल हाँ कि वो नॉलेज अगे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इस मैं सारी वधाई दी पात्र है जी। हाँ ऑफकोर्स, मैं भी बहुत स्टेजिस किए हैं, तो ये देख के मैं याद आता है कि हाँ इतने तक पहुँचने का ही रीज़न है कि मैं छोटे होंदे तो लगी रही हाँ। मेरा नाम आराध्या है, मैं आर्टिस्ट मेकर की फंक्शन में आई हूँ। लक्ष्मण सर बहुत अच्छे हैं, उनने मेरे को प्राइज़ दिया, वो बहुत अच्छे हैं, उनने मेरे को आर्टिस्ट मेकर फंक्शन में आने दिया, थैंक यू लक्ष्मण सर। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लक्ष्मण सर बहुत अच्छे हैं। कैसा लगा प्राइज मिला आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा, लक्ष्मण सर बेस्ट सर। आगे से ऐसे प्रोग्राम में भाग लोगे आप? यस। मम्मी पापा नहीं मना करते आपको? नो। क्या कहते हैं आपको? वो कहते हैं